हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम देखते हैं व्हाट्सएप के कुछ फीचर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपको बताने जा रहा हूँ मैं, पिन ऑप्शन, जो व्हाट्सएप ने नया लॉन्च किया हुआ है। शायद आप सब लोगों ने, वो पिन दिखता होगा आपने, अभी कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताना दिखाता हूँ। एक एक कॉन्टेक्ट में यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और ऊपर जो दिख रहा है आपको पिन, उस पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए अभी 3 नंबर पे था, सीधा 1 नंबर पे आ गया। और जो कॉन्टेक्ट को आप पिन करोगे वो हमेशा ऊपर रहेगा, चाहे आपको कितना भी मैसेजेस आने दो, लेकिन वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। फॉर आप एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एक मैसेज लिखता हूँ मैं, गुड इवनिंग। दोस्तों, अगर ये मैसेज लिखा तो ये कॉन्टेक्ट सबसे ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी न्यू ईमेल लिखा, लेकिन ये अभी 2nd नंबर पे है। रीजन क्या है कि उस कॉन्टेक्ट को, मैं एक कॉन्टेक्ट जो है उसको पिन किया हुआ है। अगर उसको, अगर मैं निकाल दूं पिन से, एग्जांपल मैं आपको ये निकाल के दिखाता हूँ। देखिए अभी ये 3rd नंबर पे चला गया। तो दोस्तों, आपको अगर किसी का कॉन्टेक्ट इम्पोर्टेंट लगता है, उनका मैसेज आपको, उनका मैसेजेस हमेशा टॉप में रखना चाहते हैं, तो आप उस नंबर को पिन कर सकते हैं। दूसरा आपको दिखाने जा रहा हूँ, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, आप 3 डॉट में एक दिखा रहे, सेकेंड लास्ट में दिख सकते हैं, स्टार्ट मैसेजेस। दोस्तों, स्टार्ट मैसेजेस क्या होता है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल एक ग्रुप है मेरा, देख सकते हैं आप। अगर मैंने ग्रुप में एक मैसेज आया हुआ है मुझे, और मुझे, मैंने वो मैसेज देखा, अगर मेरे पास अभी पढ़ने के लिए टाइम नहीं है तो मुझे वो बाद में पढ़ना है, तो मैं क्या करूं? क्योंकि ग्रुप बोला तो बहुत सारे मैसेज आते रहेंगे आपको ग्रुप में, एक के पीछे परेशान हो जाता हूँ कभी कभी मैं भी, मेरे पास भी बहुत सारे ग्रुप है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, उस मैसेज को सेलेक्ट करें, यहाँ पे ऊपर आपको एक स्टार दिख रहा है, उस स्टार के ऊपर क्लिक करें, तो वो मैसेज ऑटोमेटिकली आपको सेव हो जाएगा। अगर दोबारा आपको, अगर वो मैसेज देखना हो, कभी भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे 3 डॉट मेनू में जाइए, यहाँ पे स्टार मैसेजेस में जाइए, देख सकते हैं आप इस मैसेज को। बाद में चाहिए तो आप कभी भी इसको रिप्लाई भी कर सकते हैं, वो यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं आप, या फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसको, अगर मैं ओपन करूँ तो उसी ग्रुप में ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर उसको आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप उसको अनस्टॉल कर दीजिए, वो निकल जाएगा। तो वैसा ही दोस्तों, अब तीसरा आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। हम बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं, ग्रुप्स में अनवांटेड फोटोज, ये अगर ये वो आता रहता है, वो अगर आपको पता नहीं रहता है, किसी किसी के मोबाइल में रहता है कि ऑटो डाउनलोड रहता है, तो आपको गैलरी में कोई भी अपना मोबाइल लेगा तो कुछ गंदे गंदे फोटो वगैरह रह सकते हैं। तो उसको कैसे, हम उससे कैसे बच सकते हैं? अगर आपको वो व्हाट्सएप का मैसेजेस जो है, इमेजेस हाइड करना है, तो आप सिंपल एक तरीका बताता हूँ आपको, आप उस तरीके को इस्तेमाल कर दीजिए। वो आपका जितना भी मैसेज है, जितना भी फोटो है, आपको व्हाट्सएप का गैलरी में नहीं दिखेंगे। अगर आपको जब चाहेगा तब आप उसको देख सकते हैं, सिंपल है। आप अपना एक्सप्लोरर में जाइए, नहीं तो आपका फाइल मैनेजर में जाइए, वहां से आप व्हाट्सएप का फोल्डर सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे मेरा इंटरनल स्टोरेज है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेमोरी कार्ड नहीं लगा हुआ है। तो आप व्हाट्सएप, अगर आपका यहाँ पे, अगर इंटर ऊपर जो दिख रहा है यहाँ पे, अगर आपको इंटरनल स्टोरेज, अगर मेमोरी कार्ड डाला है तो उसको आप इंटरनल स्टोरेज सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको व्हाट्सएप में जाना है, यहाँ पे जाके मीडिया ओपन करना है। दोस्तों, मीडिया में सिर्फ फोटो ही नहीं, वीडियोस हो, जो भी है आप हाइड करना है हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ये है मेरा व्हाट्सएप का इमेजेस। मैं इमेजेस को सेलेक्ट करूंगा अभी। देखिए अभी मैं मोर में जा रहा हूँ, मोर में जाके
इसको रीनेम करता हूँ। रीनेम करने के लिए क्या करना है आप लोगों को, जब स्टार्ट में एक डॉट डालना है, ओके, और ओके करना है। दोस्तों वो इमेजेस का फोल्डर ही गायब हो गया, देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई भी इमेजेस फोल्डर का दिख नहीं रहा है। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है आपका गैलरी में भी ये फोल्डर नहीं दिखेगा। अब हम जाते हैं अपने गैलरी में, एल्बम में चला गया मैं, यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये जो कुछ पुराना फोटो है वो ये पुराना फोल्डर, अभी जो इससे पहले मैंने जो ओपन किया था वो इमेजेस का फोल्डर गायब हो गया। अगर आपको वही फोल्डर पे वापस लाना है तो आपको वापस वहां पे ही जाना पड़ेगा, व्हाट्सएप का फोल्डर में, वहां पे चलिए। यहाँ पे आपको मीडिया में वो फोल्डर नहीं दिख रहा है, डरिए मत, यहाँ पे जाइए आप, शो हिडन फोल्डर्स कर दीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक व्हाट्सएप इमेजेस, ये देखिए आप, इसमें 83 आइटम्स है। इसको वापस रीनेम कर दीजिए, रीनेम में वो डॉट को हटा दीजिए। देखिए दोस्तों ये कुछ एरर दिखा रहा है, मोर रीनेम, क्योंकि मैंने जैसे आपने देखा मेरे दो व्हाट्सएप इमेजेस का फोल्डर है, जिसमें आपने यहाँ पे देखा था, तो मैंने अलग से एक व्हाट्सएप इमेजेस, ये देख सकते हैं आप, 83 इमेजेस मेरा रिटर्न आ गए। अगर उसी को अगर आपको निकालना है तो वापस मोर में जाइए, रीनेम कर दीजिए, यहाँ पे डॉट डालिए, ओके, गायब। भाई आपने यहाँ पे शो हिडन फोल्डर किया हुआ है, यहाँ पे अभी गायब है, सिंगल वाला तो रहेगा ही, इसमें कोई इमेजेस है नहीं है, मैंने दो बनाया होके रखा हुआ है। तो दोस्तों ये सिंपल तरीका है, अगर वापस आपको चाहिए तो यहाँ पे आइए, वापस शो हिडन फोल्डर्स, इसमें जाइए, मोर में जाइए, इसको रीनेम कर दीजिए, ये आ गया आपका इमेजेस का फोल्डर। तो दोस्तों ये हो गया आपका एक तरीका कि आपका जो इमेजेस है उसको कैसे हाइड करें। दूसरा आपको एक बताने जा रहा हूं कि एग्जांपल आप जब मैसेजेस भेजते हैं किसी को, तो अगर आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, वो सब आप कर सकते हैं। एग्जांपल फॉर स्टार, अगर आप कोई भी मैसेज के आगे और पीछे अगर स्टार डालोगे तो आपका ये मैसेजेस बोल्ड हो जाएंगे, और इटैलिक करना है तो आपको अंडरस्कोर डालना है, नहीं आपको इटैलिक करना है तो आपको ये सिंबल डालना पड़ेगा, सेम सिंबल अगर आगे और पीछे डाल दीजिए, सॉरी अंडरस्कोर डालना पड़ेगा। देखिए इटालिक हो गया, सिंपल है। तो उसके बाद आपको और एक बताने जा रहा हूँ मैं कि अगर आपने कोई मैसेजेस अगर भेजा हो तो आपने, आप यही देख सकते हैं, अगर सिंगल टिक है तो इसका मतलब है मटेरियल आपका मैसेज डिलीवर्ड नहीं हुआ है, डबल टिक है तो आपका डिलीवर्ड हो चुका है, अगर वो ग्रीन हो गया तो उन्होंने पढ़ा है। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने कितना बजे पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैसेज उन्होंने भेजा था, यहाँ पे एक आई बटन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उस आई बटन पे क्लिक कर दिया तो आपको समझ में आएगा। देखिए नवंबर 4 तारीख को 2:40 मैंने भेजा था और उन्होंने रीड किया है नवंबर
4 तारीख को 2:50 पे आप ये भी देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये आज के लिए इतना ही। आप अगला वीडियो में आपको इसे आगे दूसरा आगे का जो फीचर्स है उसके बारे में बताऊंगा, तो शायद आपको समझ में आया होगा मैंने जितना बोला है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, सब्सक्राइब।